दोस्तों, विंटर गार्डन का वीडियो बहुत लेट देने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि इसी महीने का 13 तारीख को अक्टूबर का मैंने नर्सरी विजिट किए थे और कुछ सीडलिंग्स खरीदे हैं। जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं वो मेरा जो लास्ट ईयर का जो विंटर गार्डन था उसी का एक पार्ट है। लास्ट ईयर मेरा प्लांट कुछ इस तरह बने थे, स्पेशली जो इम्पेशंस है उसका इस तरह जाइंट साइज बने थे। तो इस बार भी मैंने नर्सरी से इस तरह छोटे छोटे इम्पेशन खरीदा हूँ। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इस बार भी उसी तरह अच्छा प्लांट आपको दे सकूँ। और आप अगर चाहे तो मेरा पिछले बार का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप चाहे तो सभी पार्ट पिछले विंटर गार्डन सीरीज का आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने पिछले बार विंटर गार्डन का सीरीज़ बना चुका हूँ तो इस बार विंटर गार्डन का सीरीज़ नहीं बनेगा, लेकिन मैं बीच बीच में मेरा प्लांट का अपडेट आपको देता जाऊँगा। आप देख सकते हैं कि पिछले बार जब मेरा इम्पेशन बने थे कुछ इस तरह जायंट आकार में बने थे। हालांकि एक ही प्लांट है, 8 इंच का पॉट था। और इस तरह पॉटिंग सॉइल आपको अगर तैयार करना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि सभी प्रकार का प्लांट के लिए थोड़ा अलग अलग मिट्टी होता है और सभी प्रकार का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उनका चयन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं कुछ ही दिन पहले जब नर्सरी गए थे अक्टूबर को 13 तारीख को, उस वक्त नर्सरी में का कुछ इस तरह का जो प्लांट है आप फोटो देख सकते हैं। मेरा इम्पेशन और पिटूनिया का जो कलर्स है वो एकदम मैं जान चुका हूँ मुझे कौन सा कलर मुझे मिले हैं। क्योंकि हालांकि सभी प्रकार का प्लांट लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरा जो सॉइल है, सॉइल और पॉट रेडी नहीं था, कुछ खाली नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिए है। और बाद में इस तरह से जितना प्लांट में ख़रीद नहीं पाया सही प्रकार का, आहिस्ता आहिस्ता मैं कलेक्शन बढ़ाता जाऊंगा विंटर गार्डन का। तो आप भी अपना गार्डन शुरू कर दीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी, मेरा जो गार्डन शुरू हुआ 15 दिन हो चुके हैं, फिर भी मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे कुछ इस तरह प्लांट खरीदे थे। हालांकि 3 या 4 या 5 तरह का प्लांट मैंने खरीदा था और इसमें से जो पैंजी है, इम्पेशंस है, इनका है और पिटूनिया तकरीबन इसी प्रकार का था। और इसके लिए जो पॉटिंग सॉल मैंने यूज़ किए हैं जो कि मेरा जो पॉट साइज़ अभी है वो 4 इंच का पॉट है क्योंकि मेरे पास अभी 8 इंच का पॉट खाली नहीं था। लेकिन अगर मैं बाद में जाऊंगा नर्सरी में तो थोड़ा लेट हो जाएगा, इसीलिए उसी प्लांट को मैंने 4 इंच का पॉट में इनिशियली रिपोर्ट कर दिया। अगर आप चाहे तो इसको 1 महीना बाद फिर 8 इंच का पॉट में दे सकते हैं, जो कि मैं करने वाला हूँ। इस तरह छोटे प्लांट को आप तुरंत लगाने के बाद ओपन सनलाइट में नहीं रह सकते, आपको थोड़ा इसको 15 से 20 दिन शेड में रखना है। जब थोड़ा सा इसका जो रूट्स है अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिल जाए तब बारिश ख़त्म होने के बाद ही आप इसको ओपन सनलाइट में रखिए। तो मेरा जो मानना है कि नवंबर का जो 15th डे है मैं उसी में उसको बाहर करूंगा, मतलब कि नवंबर के 15 तारीख को। और इस दौरान मैं इसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट शेड में रखूंगा। और हालांकि मेरे पास पॉट खाली नहीं था 8 इंच का, नहीं तो मैं 8 इंच के पॉट में ही लगा था। अभी इनिशियली मैं 4 इंच के पॉट में लगा रहा हूँ ताकि प्लांट को कोई डैमेज ना पहुँचे। और इस तरह जो पॉटिंग मिक्स मैंने लिए है इसमें आपको लेना है 30% प्लेन गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट, 30% भर्मी कंपोस्ट और 10% रिवर्स सैंड। आप चाहे तो मिट्टी की जो क्वांटिटी है थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, 40% भी कर सकते हैं, तो आपको भर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट थोड़ा घटाना होगा। लेकिन आपका जो पॉटिंग सॉइल है इसी के आसपास आपको रखना है क्योंकि जो इम्पेशंस है, पिटूनिया है, इन लोगों को थोड़ा हल्का मिट्टी चाहिए ताकि इसका जो रूट्स है बहुत जल्द बढ़ सके। इसको थोड़ा हैवी मिट्टी आप मत दीजिए, इतना लाइट वेट मिट्टी देंगे तो इसका ग्रोथ अच्छा होगा। और आप सभी के लिए मेरा शुभकामनाएं है कि आपको भी मेरी तरह अच्छा रिजल्ट मिले जो कि मुझे पिछले बार मिल चुके हैं। और इस तरह छोटे प्लांट को आप तकरीबन 4 से 5 दिन का अंतर अंतर हल्का सा आप फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 लीटर पानी में आधा आधा चम्मच करके इतना छोटा सा अमाउंट आप दे दीजिए और उसको स्प्रे कीजिए 5 से 6 दिन के अंतर अंतर ताकि इसमें फंगस ना लगे। लेकिन इस तरह छोटे प्लांट को आप डायरेक्टली कभी भी ओपन सॉइल पर भी मत रखिएगा क्योंकि अगर जब क्योंकि बारिश वाला वेदर में अगर एक दिन में बारिश इसको लग जाएगा तो इम्पेशन ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा बारिश वाला वेदर आप घटने दीजिए और इसको इनडायरेक्ट शेड में रखिए। और मेरा जो मानना है कि जो नवंबर का जो 15 तारीख है मैं उसके बाद ही इसको ओपन साइलेंट पे रखूँगा। और उस दौरान इसमें क्या होगा, इसका थोड़ा रूट का जो स्ट्रक्चर है वो भी बन जाएगा तो मैं 4 इंच से इसको डायरेक्टली 8 इंच में दे दूँगा।
अगर आप चाहे तो इसको डायरेक्टली 8 इंच में दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पॉट खाली नहीं था, इसीलिए मैंने 4 इंच के पॉट में इसको बनने के लिए थोड़ा टाइम दिया है। और प्लांट को आप हर दिन शाम को हल्का सा वाटरिंग कर सकते हैं। हालांकि वाटरिंग आपका टेम्परेचर का अनुसार इसका क्वांटिटी चेंज होगा, वो आपको देखना है दोस्तों। आज के लिए यहीं तक, नमस्कार, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।